नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्रोमबुक्स के बारे में। क्रोमबुक्स क्या होता है, वो किसके लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, वगैरह वगैरह सब। तो बेसिकली क्रोमबुक एक लैपटॉप के अंदर डिवाइस आता है, जो बेसिकली लैपटॉप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसी थोड़े थोड़े मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन में या फिर यूज में थोड़ा सा लैपटॉप से डिफरेंट होता है। अब वही बात करते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो पहला जो डिफरेंस होता है लैपटॉप और क्रोमबुक्स में कि क्रोमबुक का स्टोरेज बहुत कम होता है। ठीक है, आपको लैपटॉप में मिलेगा, अब बेसिकली अब जितना भी लैपटॉप आता है 2019 में या उससे बाद का, तो वो सभी में होता है मिनिमम 500 हार्ड ड्राइव, 500 GB हार्ड ड्राइव या उससे ऊपर 1 TB होता है, 2 TB होता है जितना है, या SSD आता है तो 250 GB या उससे ऊपर का SSD आता है। ठीक है, तो ऐसा अभी जो है सो चल रहा है किसमें, लैपटॉप्स में। लेकिन क्रोमबुक्स में बहुत ही कम स्टोरेज होता है 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, ऐसे करके होता है स्टोरेज। अगर बहुत बढ़िया आपका क्रोमबुक्स है तो होगा 256 GB या 512 GB, ठीक है, या 512 GB, तो ऐसे होगा अगर आपका बहुत ही ज़्यादा महंगा क्रोमबुक्स है तो। अब दूसरा बात करते हैं क्रोमबुक्स में प्रोसेसर का। तो क्रोमबुक्स में प्रोसेसर जो होता है बहुत ही कम होता है, जैसे सेलरॉन होता है या फिर पेंटियम होता है, सेलरॉन होता है, यही सब जो होता है कम लो पावर का जो CPU होता है वो यूज होता है। और अगर आप थोड़ा महंगा लीजिएगा तो बेसिकली जो i3 आएगा, i5 आएगा, वही यही होता है जनरली। i7 बहुत कम ही क्रोमबुक्स में मिलता है देखने को, रेयर होता है वैसा। अब क्रोमबुक्स का फायदा ये भी है कि क्रोमबुक्स सस्ता होता है, क्रोमबुक्स लैपटॉप के मुकाबले बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि उसमें हार्डवेयर बहुत ही कम लगा होता है, मतलब बहुत ही कम स्टोरेज होता है, बहुत ही कम बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज के अलावा क्या कहो, बहुत ही कम रैम होता है, साथ ही बहुत कम जो है प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर का स्पीड बहुत कम होता है, लो पावर प्रोसेसर होता है। लेकिन क्रोमबुक्स एक बहुत बढ़िया बात है कि उसका बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छा चलता है, 8 घंटा 12 घंटा 13 घंटा एक दिन तक चल जाता है, बहुत ही बढ़िया जो है बैटरी बैकअप देता है क्रोमबुक्स। ठीक है, और क्रोमबुक्स सस्ता भी आता है। अब क्रोमबुक्स किसको यूज करना चाहिए, तो क्रोमबुक्स बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो जिसको मतलब है सिर्फ और सिर्फ वेब पेज से। अगर सिंपल वे में अगर कहे तो मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसे इंसान है जो नेट ज़्यादा सर्फ करते हैं, ईमेल ज़्यादा चेक करते हैं, वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो अगर आप बहुत सारा वीडियो देखते हैं नेट पे या फिर यूट्यूब चलाते हैं या फिर नेट से संबंधित जो भी काम है, ब्राउज़र जो भी आप अपने ब्राउज़र में करते हैं, जैसे क्रोम में करते हैं, क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स या ओपेरा या फिर जो भी अलग अलग ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र में आप जो मेनली काम करते हैं, क्रोमबुक्स में भी आप वही काम करते हैं। बेसिकली क्रोमबुक्स बना ही है जो है क्रोम वेब ब्राउज़र के ऊपर, तो क्रोम वेब ब्राउज़र के ऊपर बना है, मतलब आप उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्रोम वेब ब्राउज़र मिलेगा जिससे आप ब्राउज कर सकते हैं। लेकिन क्रोमबुक जैसे जैसे समय बीता गया वैसे जैसे वो भी एडवांस हो गया, तो उसमें आप कुछ और फंक्शनैलिटी जो है जुड़ गया, जैसे कि आप एंड्रॉयड ऐप भी उसमें रन कर पाएंगे, और क्रोम वेब ऐप जो होता है, जो भी क्रोम का वेब ऐप होता है वो तो आप रन कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक हो गया प्लस पॉइंट कि आप एंड्रॉयड ऐप्स भी आप रन कर सकते हैं। क्रोम बेस्ड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका क्रोमबुक नहीं है, ठीक है, ये यार दिमाग खराब करता है सर। हाँ, तो मान लीजिए कि आपके पास क्रोमबुक नहीं है, ठीक है, अगर आप क्रोमबुक आपके पास कोई लैपटॉप है, आप उसको क्रोमबुक बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा। तो क्रोमबुक बनाने के लिए सिंपल सा है कि आपको क्रोमबुक का जो है OS क्रोमियम OS डाउनलोड करना पड़ेगा, क्रोमियम बेस्ड OS, मतलब या तो क्रोमियम या क्रोमियम बेस्ड OS। क्रोमबुक जो है ना, जैसे क्रोम होता है या क्रोमियम दो ब्राउजर है, तो क्रोम पे ही बेसिकली एक क्रोम का ही एक वर्जन होता है जो कि ओपन सोर्स होता है, उसको क्रोमियम नाम दिया गया। तो वैसे ही क्रोम OS का एक ओपन सोर्स वर्जन है जो कि जिसका नाम दिया गया क्रोमियम। तो उस क्रोमियम बेसिकली क्रोमियम का आप जो है सो क्रोमियम का बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे क्रोमियम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोमियम हो गया या फिर क्लाउडवेयर हो गया, नेवरवेयर का क्लाउडवेयर हो गया, नेवरवेयर का क्लाउड रेडी है उसका नाम, वो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम बताए हुए पहले ही वीडियो में। अगर आपको जानना है तो आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हैं, मेरे में होगा क्रोमवेयर का क्लाउड रेडी कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो भी उससे भी आप क्रोम OS का मजा ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्रोम बेस्ड OS जो है सो आपका पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव वाइप कर देगा, आपका कोई डेटा नहीं बचेगा। अगर आप सोच रहे होंगे
कि एक नया सा पार्टीशन क्रिएट करेंगे और ड्यूअल बूट में जो है क्रोमबुक्स को इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव वाइप करना पड़ेगा, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रोमबुक्स बेसिकली बहुत लोग सोचेंगे यार बकवास है, क्या फ़ायदा है इसका। तो क्रोमबुक्स उसके लिए जो जनरली नेट संबंधित काम करते हैं, गूगल भी इस बात को समझता था, इसलिए उसने जो है क्रोमबुक्स का इजाद किया, जो भी कह लीजिए। तो इसी वजह से क्रोमबुक्स जो है सो लाइफ में आया है। और क्या, ऐसे लोगों के लिए फिर भी अभी भी जो है सो विंडोज जो है सो फर्स्ट चॉइस रहेगा, ऐसे लोगों के लिए जो गेमिंग करते हैं या वगैरह वगैरह। फोटोशॉप भी अपना ऐप जो है सो क्रोमबुक्स में जो है सो क्या बोलते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया है क्रोमबुक्स के लिए। एक बात और जो प्लस मतलब प्लस क्या कहते हैं, प्लस कह ले या माइनस कह ले, जो भी पॉइंट कह ले आपके डिपेंड करता है क्या कहिएगा, वो ये है क्रोमबुक्स का कि क्रोमबुक्स फुल्ली ऑनलाइन है। मतलब आप जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, आप डेटा स्टोर करते हैं वो भी ऑनलाइन स्टोर होगा, सब चीज़ ऑनलाइन होता है क्रोमबुक्स में, हर एक चीज़ स्टोर होता है। इसीलिए उसमें स्टोरेज कम दिया गया है, क्योंकि आपको ज़्यादातर चीज़ जो है सो आप ऑनलाइन करते हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि स्टोरेज का क्या जरूरत पड़ेगा, जो आप ज़्यादातर चीज़ या सभी चीज़ ऑलमोस्ट सभी चीज़ जो है सो ऑनलाइन करते हैं। तो इसीलिए क्रोमबुक्स जो है ऑनलाइन बेस्ड जो है से आपका, अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं वो गूगल ड्राइव में भी आप उसको डायरेक्टली जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं, और वो जो है सो बेसिकली सब चीज़ ऑनलाइन, उसका जितना ऐप काम करेगा सारा का सारा ऑनलाइन काम करेगा, एक्सेप्ट जो है सो एंड्रॉयड ऐप्स का, एंड्रॉयड ऐप्स ऑफलाइन भी काम करता है। और एक और जो उसमें पता नहीं ये प्लस पॉइंट बोले या निगेटिव पॉइंट बोले, इसके बारे में वो ठीक से पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो पीसी पे जब भी हम एंड्रॉयड ऐप एंड्रॉयड ओएस चलाने का कोशिश किया है तो बहुत सारा एंड्रॉयड ऐप्स काम नहीं किया है। तो हमको पता नहीं क्रोमबुक्स पे सारा ऐप्स काम करता है या नहीं, लेकिन मे बी मतलब मान के चल रहा है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों लगता है कि हमको कि मतलब क्रोमबुक्स पे सारा का सारा ऐप्स एंड्रॉयड ऐप्स जस्ट नहीं काम करेगा सही से। इसका रीज़न है कि जैसे कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर ले लीजिए, तो स्क्रीन रिकॉर्डर को डिज़ाइन किया गया है बेसिकली फ़ोन के लिए, कि मतलब इसका डिस्प्ले का साइज़ ये होगा और ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, और ये पिक्सल डेंसिटी होगा, फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया। और क्रोमबुक्स का डिस्प्ले है बड़ा और वो है लैंडस्केप में, तो बेसिकली वो काम करेगा या नहीं काम करेगा ये डाउट है इस बात पर। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्रोमबुक्स में भी बहुत सारा ऐप जो है सो एंड्रॉयड ऐप जो है सो क्रोम ओएस पे जो है सो बहुत सारा नहीं कुछ जो है सो नहीं काम करेगा, लेकिन मोस्टली जो ऐप्स है वो काम कर जाना चाहिए वैसे आपके क्रोम ओएस पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपसे मिलते हैं, और क्या शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी के साथ किसी को और भी जानना चाहिए इस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।